मान लो कि आपने रेगिस्तान में हो, आपने 2 दिन से पानी नहीं पिया है। अब ऑब्वियसली 2 दिन से पानी नहीं पिया, आप ऊंट तो हो नहीं, आपको प्यास तो लगेगी, सही है। सो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपने 2 दिन से पानी नहीं पिया है, आपको 2 दिन बाद ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप उस वक्त 2 दिन बाद रेगिस्तान में जहां पानी मिल ही नहीं रहा आपको, आप किस बारे में सोच रहे होगे? ऑब्वियसली पानी के बारे में, सही है। समरी से मौत के बारे में नहीं, पानी के बारे में। ऑब्वियसली कहीं से पानी मिल जाए, कहीं से पानी मिल जाए, बस इसके अलावा कोई दिमाग में नहीं आएगा। कहीं से पानी मिल जाए, मेरी प्यास बुझ जाए, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, ये दिमाग में सबसे पहले आएगा। मौत में भी दूसरे नंबर पर आए, पहले आप ट्राई तो करोगे ना। अरे पहले आप ट्राई करना तो सीखो यार। 2 दिन तक अगर पानी नहीं मिला तो पानी के बारे में सबसे पहले सोचोगे, फिर आप ये सोचोगे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, तो वो दूसरा थॉट होगा, सेकंड थॉट होगा। बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हो यार। कई लोग तो यहाँ पे भी, अरे मर रहे हैं तो बस गर्लफ्रेंड के बारे में, अपनी लैला के बारे में सोचूंगा और मर जाऊंगा। कई लोग ऐसे भी है महान, लिख भी रहे थे कहीं, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेंगे। अरे प्यास लग रही है, गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोचोगे तुम लोग? सो मैं क्यों दे रहा हूं ऐसा एग्जांपल, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब ना आप किसी, मतलब किसी चीज के लिए इतने प्यासे होते हैं ना, तब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, कि वो चीज जिसके लिए आप प्यासे हो, बस ऐसा ही शिद्दत वाला प्यार चाहिए आपको, आपके नीट के रैंक के लिए, आपके जेई के रैंक के लिए, आपकी स्टडीज के लिए। बच्चों आपके पास किस चीज की कमी पता है? वजह की। आपके पास वजह ही नहीं है, आपके पास वजह ही नहीं है।